हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल टुडे गाइड शिवांश भसीन में। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि जो नया हफ्ता शुरू होने वाला है उसमें हमें किस तरीके से तैयारी करके चलनी है, कौन से स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइस, हम सबसे पहले बात करेंगे कि पिछले हफ्ते जो हमने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देखा था, जो मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की एक रेंज बताई थी और आपको बताया था कि 27,750 के आसपास जब भी आपको बैंक निफ्टी मिले आपको शॉर्ट करना है और वहां से आपको तुरंत 300 पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, तो बिल्कुल वही हुआ। तो अगर आपको चार्ट्स में देखना है तो आपको चार्ट्स में भी मैं जाके दिखा देता हूँ, प्रीवियस चार्ट्स भी मेरे आप देख सकते हैं जिस पे कि मैंने आपको बता रखा था। और गाइस, अब कौन से स्टॉक्स हैं जो अगले हफ्ते आउट परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें जो 14 जैन के लिए जो मैं स्टॉक्स आपके लिए सेलेक्ट करके लाया वो है उज्जीवन, मैकडोवल्स, NMDC, सीएट और KHCL। सो गाइस, इसके बाद मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिखाने वाला हूँ। बहुत बढ़िया एक स्ट्रैटेजी बनते हुए दिख रही है हमें, तो हम किस तरीके से वर्क करें वो भी जरूर देखेंगे। उज्जीवन बाय करने की सलाह 293 to 295 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 285 का लगा के चलना है। मैकडोवल्स बाय करने की सलाह दी जाएगी 596602 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 585 का मेंटेन करना होगा। NMDC बाय करने की सलाह 9495.80 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 90 का मेंटेन करके रखना होगा NMDC के अंदर। सीएट बाय करने की सलाह 1273-1280 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 1258 का मेंटेन करना होगा गाइस। KHCL बाय करने की सलाह 570-574 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 562 का मेंटेन करना पड़ेगा। गाइस, ये जो भी आपको मैं पांच स्टॉक हमेशा बताता हूँ ये आपको मैं स्विंग ट्रेड्स के हिसाब से बताता हूँ, यानी कि अगर आप इसे 2 या 3 दिन के पर्पज से होल्ड करके रखेंगे तो आप अच्छे खासे टारगेट्स अचीव कर सकते हैं इन पर्टिकुलर फाइव स्टॉक्स के अंदर अंदर ही। गाइस, अब हम बढ़ते हैं चार्ट के अंदर, तो देखते हैं कि चार्ट्स में क्या व्यू चल रहा है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ, मैंने आपको पहले ही अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बना रखी है, एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन से अपने हाईज और लोज को मिला के। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि जिस दिन मार्केट अपने हाई को टेस्ट करा था, अपने हायर ट्रेंड लाइन को, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करा था, मैंने आपको उसी दिन बोल दिया था कि अब आपको मार्केट को शॉर्ट करना है और मार्केट जब आप शॉर्ट करेंगे जो आपका टारगेट होना चाहिए वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास होना चाहिए। और गाइस, आप देख सकते हैं कि कल के इंट्राडे सेशन के अंदर मार्केट ने उस तरफ अपना लो मार दिया था गाइस। तो यहाँ से अब जो हमारी पोजीशन है एग्जिट हो जानी चाहिए, वरना आप अभी भी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए हैं तो होल्ड करके बैठ सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 27,340 के लेवल्स तक का। गाइस, वहां तक मुझे डाउन साइड दिखती है, उसके बाद मुझे ज्यादा डाउन साइड दिखती नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर ऑब्वियसली। और अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर तो निफ्टी पे भी हम देख सकते हैं कि अपना जो इसने एक ट्रेंड लाइन मैंने जो ड्रॉस कर रखी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसने भी इसका सपोर्ट के ऊपर ही जाके क्लोजिंग दे रखी है। तो गाइस, अभी हमारे लिए एक स्ट्रैटेजी बनती है कि हम निफ्टी में नो ट्रेड जोन में जाएं और बैंक निफ्टी में हम बाई की तरफ ट्रेड जोन में जाएं। बैंक निफ्टी में हमें कल कोई भी अगर एक डिप मिलती है फॉर अगर हमें 27,300 के आसपास कोई भी डिप मिलती है बैंक निफ्टी के अंदर, तो हमें ऑब्वियसली उस बैंक निफ्टी को बाय करना है और जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो अपर रेंज में होना चाहिए 27,760, उसके ऊपर 27,800 का लेवल। सो गाइस, वहां तक के मार्केट हमें लगता है कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस वीक जा सकती है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में तो अभी बाय जोन ही है, डिप्स में आपको बाय करना है। निफ्टी में कोई भी ट्रेड जोन अभी बाय की तरफ नहीं है या शॉर्ट की तरफ नहीं है, तो निफ्टी भी अभी हम वॉच करके चलेंगे। पर निफ्टी जिस तरीके से हमें दिख रहा है कि 10,794 के पास है, 10,700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है जिससे वो बिल्कुल भी शायद ब्रेक ना करना चाहे। सो गाइस, अगर आप 10,740 या आप 10,775 का एक क्रूशियल लेवल था जो मार्केट ने इंट्राडे के अंदर निफ्टी ने ब्रेक करा था, बगैर उसके ऊपर उसने क्लोजिंग देख ली, तो हम कह सकते हैं कि एक जो शॉर्ट साइड में जो ट्रेड्स थे वो ट्रैप हो गए होंगे और वहां से एग्जिट कर गए होंगे। तो अब हमारे लिए अभी बाय जोन बना हुआ है, डिप्स में हमें बाय करके चलना है और मार्केट हमें आउट परफॉर्म दिला सकती है। भाई, कुछ ऐसे नेगेटिव न्यूज़ेस भी आ रही है हमारी मार्केट के अंदर, कुछ ऐसे न्यूज़ेस आ रही है जो हमारी मार्केट को सेल साइड में या एक फॉल दिला सकती है। सो गाइस, वो क्या न्यूज़ेस हैं, अब मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ आपके लिए जो हमेशा हर हफ्ते बनाता हूँ कि अगले दिन अगले हफ्ते आपको मार्केट में किस स्ट्रैटेजी के साथ वर्क करना है, क्या करना है, तो वो भी वीडियो जल्द अपलोड हो जाएगी, उसे भी आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा गाइस। और जो भी आप पांच स्टॉक्स बता रहे हो ये स्विंग ट्रेड्स होते हैं गाइस, इसे अगर आप इंट्राडे के लिए फॉलो कर रहे हैं तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। या पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक में आपने होल्ड करके रखा है, उसे इंट्राडे में लॉस हुआ तो आप उसे होल्ड करेंगे, अगले दिन आपको डेफिनेटली एट द कॉस्ट या फिर प्रॉफिट के साथ एग्जिट जरूर करवा देगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो के साथ लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे आप मेरी लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस के साथ जुड़े रहें और ये सारी एजुकेशनल जो फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ वो आपको गेन होते रहे। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ। शाइनिंग ऑफ।